सो हेलो फ्रेंड्स, आज भोलेनाथ के भक्तों का बहुत बड़ा दिन है। सबसे पहले मेरे रियल कार्डबोर्ड हाउस की चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग कार्डबोर्ड की सहायता से घर नहीं, कार्डबोर्ड की सहायता जो घर बनाकर रखे हुए हैं, आज उनको दिखाने वाले हैं कि मैंने कितने सारे कार्डबोर्ड बनाए हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में दिखाया था। फिलहाल में उसके बाद मैं और सारे कार्डबोर्ड के घर बना चुका हूँ न्यू डिज़ाइन का। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं निकालने, तो आज आप लोग मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहे, तो चलिए फटाफट निकालने स्टार्ट करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आप लोगों को इनमें से कौन सा घर अच्छा लगा। चलिए फटाफट अपना निकालना घर स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख ही सकते हैं, सबसे पहले मैं ये छोटा सा चीज निकाला हूँ, जो कि ये मेरा रीडिंग टेबल है, तो मैं इसको इस साइड रख दे रहा हूँ। अब मैं दूसरे नंबर का घर निकालने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा फैन है, जो कि किसान भाई यूज करते हैं इसको, फैन के माध्यम से इस पर गेहूँ उसाते हैं या तो धान उसाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको हम फिर यहाँ पर रख दे रहे हैं इस साइड में। अब मैं तीसरे नंबर का निकालने जा रहा हूँ, घर निकालता हूँ, क्या निकालूंगा आप लोग देखिए मेरे वीडियो पर अंत तक। सो फ्रेंड्स, ये मेरा घर नहीं है, आप लोग देख ही सकते हैं, ये मेरी नाव है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसको मैं इस साइड रख दे रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं चौथे नंबर का निकालने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मेरा आप लोग देख ही सकते हैं कि चौथा नंबर घर है। अब मैं सारे घर ही निकालूंगा। अब मैं पांचवें नंबर का घर निकालने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पांचवा नंबर घर है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए फटाफट निकालना स्टार्ट करते हैं, तब आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों को मैं नंबर दे दूंगा, कौन कौन सा नंबर आपको पसंद आया कमेंट बॉक्स में अवश्य करिएगा। चलिए फटाफट हम निकालना स्टार्ट करते हैं। ये मेरा छठवां नंबर है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा सातवां नंबर है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आठवां नंबर घर है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा नौवां नंबर घर है। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम नौवीं घर तक दिखा रहे थे, इस बार हम लोग देखते हैं कितने नंबर घर तक जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरा नौवां नंबर निकल चुका है, मेरे दसवां घर निकालने जा रहा हूं। सो फ्रेंड्स, ये मेरा दसवां नंबर घर है, जो कि मैं इसको इसी साइड रख दे रहा हूं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा ग्यारहवां नंबर घर है, इसमें गाड़ी तो ऑटोमेटिक ही चल रही है, आप जैसा कि देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा बारहवां नंबर घर है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा तेरहवां नंबर घर है। सो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स ये मेरा 14वां नंबर घर है। सो फ्रेंड्स अब मैं ये मेरा 15वां नंबर घर है, इसमें तो मैं छुप जा रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इतना बड़ा मैंने बनाया है। सो फ्रेंड्स ये मेरा 16वां नंबर घर है, इसको फ्रेंड्स इसी साइड रख दे रहा हूँ। अब सबसे लास्ट और सबसे आखिरी वाला मैं घर निकालने जा रहा। अगर ये घर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। सो फ्रेंड्स ये मेरा 17वां नंबर है जो कि भोलेनाथ का मंदिर है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इसका लुक बहुत ही अच्छा दिया। अगर ये हाउस आप लोगों को पसंद आई है मंदिर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स। इसको हम इसी साइड रख दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा 17वां नंबर कंप्लीट होगा। एक और मैंने बनाया है जो कि अभी उसका कार्यक्रम स्टार्ट है, जो कि मैं अभी बना रहा हूँ, उसको भी दिखा देना हूँ आप लोगों को। वो मेरा घर नहीं है, वो मैंने ब्रिज बनाया हुआ है प्रोजेक्ट के माध्यम से। चलिए उसको भी लाते हैं, क्योंकि मैंने इसको इस साइड रखा हुआ हूँ, पीछे की साइड। सो फ्रेंड्स आप लोग देख ही सकते हैं कि ये एक ब्रिज है जो कि प्रयागराज में स्थित नैनी ब्रिज है, इसके नाम से, नैनी ब्रिज के नाम से भी जानते हैं इसको, या नवीन यमुना ब्रिज के नाम से भी जानते हैं इसको। सो फ्रेंड्स इसको मैं आगे ही रख दे रहा हूँ। ये सबसे लंबे पुलों में से माना जाता है। सो फ्रेंड्स मेरे ये सारे 18 मैंने कार्डबोर्ड के घर बनाए हुए हैं। घर भी है, प्रोजेक्ट भी है, फैन भी है, नाव भी है। सो फ्रेंड्स मैंने सारे बना दिए हैं। अगर इनमें से कोई भी घर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। तो चलिए आप लोगों को इसके बारे में बताते हैं। तो कैमरामैन भाई साहब थोड़ा पास लाकर मेरे दोस्त लोग को दिखा दीजिए। सो फ्रेंड्स ये 1, 2 और 3 और ये क्या है मेरा हाउस, जो कि मैंने इनमें करंट से मतलब इसमें फैन लगाया हुआ हूँ, इसमें भी फैन है, ये भी लाइट से ही चलता है, तो मैं इन सभी में करंट लगा दे रहा हूँ, जो कि चलता हुआ आप लोगों को मैं दिखाऊँ। चलिए फटाफट करंट लगा रहा हूँ, तो आप लोगों को बताता हूँ इसके बारे में। सो फ्रेंड्स मैंने इसमें लाइट लगा दिया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने सेटअप कर दिया। आप लोगों को मैं फर्स्ट लेवल से बताते चले जा रहा हूँ, आप लोग आइए देखकर लाइन बाय लाइन आपको मैं इसके डिटेल्स के बारे में बताऊँगा। सो फ्रेंड्स आप लोग देख ही सकते हैं कि ये रीडिंग टेबल है, जो कि मैंने इसमें लाइट भी लगाया हुआ है। फिलहाल में आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा धूप है, लाइट दिखेगी नहीं, और मैंने इसमें लगाया भी नहीं है, अभी थोड़ा लगा दे रहा हूँ। सो फ्रेंड्स इसमें छोड़िए, इसमें एक ही लाइट लगा हुआ है। अब मैं फ़ैन का सेटअप किया हूँ, मैं फ़ैन आपको दिखा दे रहा हूँ। सो फ्रेंड्स मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स ये थोड़ा इसका जो ये पट्टा है थोड़ा लूज है। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये चलना स्टार्ट हो गया है। सो फ्रेंड्स मेरा ये आप लोग ये फैन देख ही सकते हैं, ये थोड़ा इसका जो ये पट्टा मैंने बनाया थोड़ा ढील हो गया है। सो फ्रेंड्स मैं इसको अब बंद करने जा रहा हूँ। अब मैं ये लाइट इस घर में लगाता हूँ, जो कि मैंने इसको चार्जर द्वारा सेटअप किया है। सो फ्रेंड मैं अब इस फैन को चलाने वाला हूँ, ये पवन चक्की के माध्यम से मैंने बनाया था, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। चल जा भाई। ओ फ्रेंड्स यहाँ पर लाइन छूट गया है, थोड़ा लाइन ऑन कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग देख ही सकते हैं कि मैंने इसका ये जो फैन है बहुत अच्छी बहुत सुंदर सा लगाया हुआ है, और ये मेरा पवन चक्की भी कंप्लीट हो गया है। तो मैं इसको चलने दे रहा हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है।
सो फ्रेंड्स ये मेरा तीसरा नंबर कंप्लीट हो गया। अब मैं चौथे नंबर इस नाव पर आता हूँ। सो फ्रेंड्स इसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने ये सारे पीछे के साइड लकड़ी और कागज़ की सहायता से बनाया है। और एकदम ये नाव जैसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स अब मैं आता हूँ पाँचवें नंबर घर से स्टार्ट कर। सो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं हम लोग पाँचवा नंबर घर है, जो कि बहुत ही सुंदर सा है और छोटा सा भी है। और ये मेरा छठवां नंबर है, यहाँ पर मेरा छठवां नंबर घर है, जो कि मैंने सिंपल सा इसको बनाया है। इसको केवल कार्डबोर्ड की सहायता से बनाया है, इसको कलर नहीं किया है जैसा कि। और ये पेड़ है, इसको मैं इस साइड रख दे रहा हूँ, थोड़ा बीच में नहीं रखा जाता, ये यहाँ पर। सो फ्रेंड्स ये मेरा छठवां नंबर कंप्लीट हो गया है। सो फ्रेंड्स ये मेरा सातवां नंबर घर है, जो कि मैंने इसको केवल लकड़ी द्वारा ही बनाया है। और इसका छत, इसका ऊपर जो देख रहे हैं ये टीना, ये मैंने केवल कार्डबोर्ड से बनाया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसका लुक भी दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। सो फ्रेंड्स मेरी साइकिल लग रहा है गिर चुकी है, मैं साइकिल को खड़ा कर दे रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत छोटा सा ही है। ये मेरी साइकिल खड़ी हो गई। ये मैंने सारे लकड़ी का ही बनाया है, इसका दीवार जो आप लोग देख रहे हैं ये सारे। सो फ्रेंड्स ये मेरा सातवां नंबर घर कंप्लीट हो गया। अब मैं आता हूँ आठवें नंबर पर। सो फ्रेंड्स मैंने इसको दो लेवल में बनाया हुआ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसका मैंने सेटअप बहुत ही अच्छे से दिया है। ये इसको मैंने कार्डबोर्ड और ये आप लोग जो देख रहे हैं थर्माकोल के माध्यम से बनाया है। तो मेरा ये सातवां आठवां नंबर फ्रेंड्स आठवां नंबर है, इसे कंप्लीट हो गया है। अब मैं आता हूँ नौवें नंबर पर। गाइस मैं नंबर ही भूल जा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन आप लोग घर देख कर ही समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये मेरा नौवां नंबर घर है, जो कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ मैंने बच्चों को खेलने के लिए भी लगाया हुआ है ये। और ये मेरा छोटा सा हाउस है, जो कि गाँव में लोग ऐसे ही बनवाते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि छोटे से लोग ऐसे ही घर बनवाते हैं। सो फ्रेंड्स ये मेरा हो गया नौवां नंबर कंप्लीट। अब मैं आता हूँ दसवें नंबर पर। तो मेरा दसवां नंबर उस साइड है फ्रेंड्स, चलिए उस साइड चलते हैं। सो फ्रेंड्स ये मेरा दसवां नंबर घर है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने इसमें लाइट भी लगाया। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था मैं इसमें लाइट लगा दे रहा हूँ आज, मैं क्योंकि लाइट लाया भी हुआ हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने सारे लाइट लगा दिए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं जलाकर दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि ये लाइट जल चुका है, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिख ही रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा धूप है यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स ये मेरा दसवां नंबर घर है, जो कि मैंने इसको लाइट द्वारा ही बनाया है। और मैंने इसको घर के माध्यम से एकदम बहुत ही अच्छा सा लुक दिया है, जो कि मैं अपने से लुक दिया हूँ। सो फ्रेंड्स ये मेरा दसवां नंबर हो गया कंप्लीट, मैं लाइट छुड़ा दे रहा हूँ। अब मैं आता हूँ ग्यारहवें नंबर घर पर। सो फ्रेंड्स इसको मैंने मैप के द्वारा बनाया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इसको ये जो देख रहे हैं आप ये 50x60 फीट के अंदर बनाया और इसमें रूम कटिंग किया हुआ हूँ, जो कि मैं मैप इसका नहीं रखा हूँ इस समय फिलहाल में। मैं आप लोगों को मैं बाद अगले वीडियो में दिखा दूंगा मैंने इसको कैसे बनाया था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पार्किंग का स्थान है और यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए है। और ये आप लोग घर देख ही सकते हैं। और मैंने इस पे सारे सीढ़ी दे दिए हैं, कहाँ कहाँ से आना है, कहाँ कहाँ से जाना है। सो फ्रेंड्स ये मेरा हो गया ग्यारहवां नंबर कंप्लीट। अब मैं आता हूँ बारहवें नंबर पर। सो फ्रेंड्स ये ज़्यादातर जहाँ पर बर्फ गिरते हैं वहाँ पर ऐसे ही घर बनाए जाते हैं, क्योंकि जो इस पे बर्फ गिरे वो फिसल के नीचे चला जाए। सो फ्रेंड्स ये मेरा बारहवां नंबर घर है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अब मैं आता हूँ तेरहवें नंबर घर पर। सो फ्रेंड्स ये मेरा तेरहवां नंबर घर है, जो कि मैंने इसका लुक बहुत ही सुंदर सा दिया है। और इसको बनाने में गाइस बहुत ही मेहनत लगा है, तो प्लीज़ लाइक अवश्य कर देना। सो फ्रेंड्स ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने पार्किंग का स्थान बनाया है। और यहाँ पर ये घर है हाउस आप लोगों का रहने के लिए, अंदर से ही सीढ़ी है सारे इसकी। और यहाँ पर बैठने के लिए, हवा पानी लेने के लिए
यहाँ पर मैंने एक ब्रेंच भी दो ब्रेंच रख दिए हैं और एक यहाँ झूला भी रख दिया है। सो फ्रेंड्स आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरा हो गया है ये 13वां नंबर कंप्लीट। अब मैं आता हूँ 14वें नंबर पर। सो फ्रेंड्स आप लोग देख ही सकते हैं कि मैंने इसका लुक बहुत ही अच्छे से दिया और मैंने इसका मैप भी रखा हुआ है यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने ये मैप भी बनाया है। इसके मैप के द्वारा मैंने इस हाउस को बनाया है। ऐसा लुक आप लोग देख सकते हैं, ये 50x60 फीट के अंदर है। मीटर द्वारा मैंने नहीं बनाया, फीट के द्वारा बनाया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें चार बेडरूम है, एक गेस्ट रूम है और एक स्टोर है, एक किचन है और एक सीढ़ी का भी है, एक हॉल भी है। सो फ्रेंड्स और एक पार्किंग का स्थान भी है। मैंने इनमें सारे दे दिए हैं जो कि मैं इसके इस नक्शे के द्वारा इस घर को बनाया हुआ हूँ। सो फ्रेंड्स वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा तो इसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन मैं सारे घर के बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सो फ्रेंड्स ये हो गया मेरा 14वां नंबर कंप्लीट। अब मैं आता हूँ 15वें नंबर घर पर। ये मेरा 15वां नंबर घर है, ये भी नक्शे के द्वारा बनाया गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये बहुत ही सुंदर सा एक डिजाइन हाउस के जैसा बनाया गया है। ये मेरा 15वां नंबर कंप्लीट हो गया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये ग्राउंड लेवल है जो कि मैंने बहुत ही सुंदर सा दिया है और ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है और ये मेरा सेकेंड फ्लोर। ये टेररिस्ट है जिसपे हम लोग बैठकर हवा भी ले सकते हैं गर्मी के सीजनों में। सो फ्रेंड्स इसका लुक मैंने बहुत ही अच्छे से दिया है। सो फ्रेंड्स ये मेरा घर कंप्लीट हो गया। अब मैं आता हूँ 17वें नंबर घर पर। सो फ्रेंड्स ये मेरा 17वां घर है जो कि मैंने इसको कार्डबोर्ड और ये थर्माकोल के सहायता से बनाया है, जो कि मैंने यहाँ चार चेयर और ये मैंने हर फ्लोर पर ये घुमावदार सीढ़ी दिया हुआ है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर भी जा सकते हैं इसके, और मैंने ऊपर एक टंकी भी रखा हुआ है। सो फ्रेंड्स ये मेरा 17वां नंबर घर कंप्लीट हो गया। अब मैं आता हूँ 18वें नंबर पर। सो फ्रेंड्स ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे भोलेनाथ का मंदिर है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने भोलेनाथ को भी स्थापित कर दिया है इस हाउस में। ये केदारनाथ का मंदिर है। अगर ये थोड़ा सा भी आप लोगों को केदारनाथ का मंदिर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इसका लुक भी दिखा दे रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स इसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, इसका डिजाइन देने में। सो फ्रेंड्स ये मेरा हो गया 18वां नंबर कंप्लीट, मेरा मंदिर हो गया कंप्लीट 18वां नंबर। सो फ्रेंड्स अब मैं आता हूँ इस ब्रिज के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ। सो फ्रेंड्स ये मेरा ब्रिज है जो कि प्रयागराज और नैनी को जोड़ता है। ये इसको नैनी ब्रिज या नवीन यमुना ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे लंबे तारों में से कहा एक पुल कहा जाता है, जो कि ये 260 मीटर लंबा है, जो कि फ्रेंड्स जिसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एकदम वैसा ही लुक लिया हूँ। बस फिलहाल मैं इसको अभी का सेटअप कर रहा था, आप लोग देख सकते हैं इसमें मैं यहाँ पर जो गाड़ी रखने वाला है ये गाड़ी भी नहीं रखा हूँ अभी मैं इसको बना रहा था। सो फ्रेंड्स आप लोग देख ही सकते हैं कि मैंने इसको कितना सुंदर सा दिया है। ये करीबन 2004 में बनकर हम लोग का रेडी हो गया था प्रयागराज में बनकर, जो कि इसका 2000 में इसको स्टार्ट किया गया था। 2004 में बनकर रेडी हो गया था ये मेरा पुल, नैनी ब्रिज। सो फ्रेंड्स ये मेरे सारे 19वां नंबर भी है। ये मेरे सारे घर कंप्लीट हो गए हैं, मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कौन कौन सा है। ये पहला नंबर है रीडिंग टेबल, दूसरा नंबर फैन, तीसरा नंबर प्रोजेक्ट है, चौथा नंबर नाव, पांचवा नंबर घर, छठवां नंबर भी घर, सातवां ये मेरा, आठवां ये मेरा, नौवां और इधर मेरा 10वां नंबर है, इधर 11वां और इधर 12वां, इधर 13वां, इधर 14वां, इधर 15वां। सो फ्रेंड इधर 16वां मेरा है, ये 16वां नंबर है ये।
सत्रहवा ए, अठारहवा ए। सो फ्रेंड्स थोड़ा गिनती में गलत हो गया होगा शुरू में बताने में, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स आप लोगों को इन सत्रहवें या अठारहवें नंबर में से घर में से कौन सा पसंद आया आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। सो फ्रेंड्स अगर इसमें से मेरा कोई भी घर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगले वीडियो में मैं एक दो घर और रखा था जो कि मैं इस समय उसको गिफ्ट कर दिया हूँ किसी के बर्थडे पर। सो फ्रेंड्स मेरे पास इतने ही सारे घर हैं, मैं इसमें से एक दो घर नया बनाया हुआ हूँ जो कि मैं अभी वीडियो में अपलोड नहीं किया हूँ, मैं वीडियो में अपलोड कर दूँगा। अगर इनमें से कोई भी घर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो ऐसे ही घर के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें और मैं इसको आप लोग इसका लुक भी दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय बाय।